महाराज राम के चरणों में हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो। अरे तुम दोनों तो वही हो। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा और आज स्वर का चमत्कार कौन सिखाता है तुम्हें? हमारे गुरुदेव ने आपके ऊपर भी एक कविता लिखी हुई है। यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपके राज्यसभा में ये कविता प्रस्तुत करें। ठीक है। दिन को तो यज्ञ होता है लेकिन सायंकाल सभा में आकर तुम हमें थोड़ी थोड़ी जो आपने आपके गुरुदेव ने हमारे ऊपर जो एक महाकाव्य की रचना की है उसे तुम प्रस्तुत कर सकते हो। हम लोग आपका संवाद आपके गुरु के द्वारा लिखी हुई महाकाव्य बहुत से सुने हैं। मुनि कुमार यह सभा तुम दोनों का स्वागत करती है।
और स्वागत के उपलक्ष में तुम्हें अंग वस्त्र प्रदान कर दिया। आर्य सुमंत इन दो मुनि कुमारों को अग्नि वस्त्र प्रदान किया जाए। अब आप दोनों अपने गुरु के द्वारा रची हुई महाकाव्य का व्याख्यान इस सभा में करें, जिसे सुनकर ये सभा बहुत ही अनुग्रहित हो जाए। यदि गुरुदेव आज्ञा दे तो तुम दोनों अपने गुरु के द्वारा रची हुई कथा का गान करो। मुनि कुमारों का इस अयोध्या नगर में स्वागत है। हम इजाजत देते हैं आप अपने गुरु के द्वारा बताए हुए शिक्षा का शुरू करो। जो मातु पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण नाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण नाम की, यो रामायण है पुण्य कथा से गुरुवर भी स्वामी संग
गुरु उत्सव है भाई, जगत गुरु उत्सव है भाई। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जगत गुरु उत्सव है भाई, जगत गुरु उत्सव है भाई। सबकी दृष्टि राम की हो, राम विनय गुण के अवधा गुरु के आज्ञा सिरदार हो, सहज भाव से शिव धन तोरा, सदाचल राता जोरा, गुरु देवता और न कोई, सीता के चमका नहीं कोई, जो करे पराज के काल को काम के। अब पता चला तो राम सरल गुर काम के, राम लतावन मरण अयोध्या पुनः आगमन। जो एक राजा की पुत्री है,
और एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती महाराज राजा। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपना दिन कैसे काटती है? अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम स्वयं पीसती है? स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं चक्की पीसती है और अपने संतान को स्वाभिलंब बनने की शिक्षा कैसे देती है? अब उसके करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानी हो के बिन भाग्य में बिताते हैं। रहते थे फिर जिस पास लाभिया तो आप कैसे बंद रखते हो कैसे तो छुपाते परम ज्योति न सब परम कुल न सब मंदिरो न सब जगे माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूप सिया कूटनी हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा उसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माता जी दे सकती है। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। फिर भी राज की उच्च मर्यादा यह उचित है कि वह महासभा सारे जन समुदाय के सामने अपने शुद्धता की शपथ ले, जिससे ये लोग हलास सिंहासन पर उन्हें पूर्वक बिठा सके। और ऋषिगण अपने अपने शिष्यों सहित सभा में पधारे, समस्त राजागण उपस्थित हो और जो कोई भी देवी सीता का शपथ सुनना चाहे वो कल इस आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर शपथ देखें। जो मैं देवी सीता के साथ उपस्थित हुआ, महाराज आप क्या प्रमाण चाहते हैं? मुनिश्रेष्ठ, आपके श्री चरणों में राघव प्रणाम करता है। कल्याण दस्त, मैंने
देवी सीता को समाज के भय से निकाल दिया था। मैं चाहता हूं कि देवी सीता इस जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ। महाराज, मैंने आज तक असत्य नहीं बोला। मैं प्रचेता का दसवां पुत्र शपथ लेकर कहता हूँ कि देवी सीता बिल्कुल पवित्र है, और यदि देवी सीता में कोई खोट हो तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। मैं ये भी शपथ लेता हूँ। आप जो कहते हैं उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप देवी सीता के संबंध में जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी सीता की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया। एक बार पहले भी के समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय देवी सीता अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने उन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का एक लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। भगवान, यह जानते हुए कि सीता निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप हमारे इस अपराध को क्षमा करिए। मैं ये भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव हमारे ही पुत्र हैं, तथा जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि के वचनों से मुझे पूरा विश्वास हो गया, तथा जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी की शुद्धता प्रमाणित होने पर ही मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। प्रभु, मैं श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करता। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज माँ भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो माँ भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माँ, इस पृथ्वी पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल। मैं यहाँ नारी का आदर नहीं होता। मैं मुझे यहाँ से ले चल बेटा। लव बेटा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हे धरती माँ, हे भगवती वसुंधरे, तुम मेरी सीता को लौटा दो। मेरी सीता को सीते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सीते, हे वसुंधरे भगवती धरती माता, ये तुमने मुझे मेरी सीता को नहीं लौटाया तो मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। तुम जानती हो कि मेरा प्रभाव कैसा है। मैं इस पृथ्वी को उलटपलट कर दूंगा। अब बंद के स्थान पर केवल जल रह जाएगा। मैं तुम्हारी इस पृथ्वी को उलटपलट कर दूंगा। आपके लिए क्या उचित नहीं है, यह सूदन आपने अपने भद्र स्वरूप का स्मरण करे। महाभाग, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वार अपने भद्र स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता अपने तपोबल के प्रभाव से सुख परम धाम को चली गई है। अब पुनः साकी धाम ही उनसे आपकी भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। आप मन में कोई संताप न करें, हमारी आपसे आग्रह है। हेलो महाराज,
परम पिता ब्रह्मा ठीक कह रहे हैं, भगवान आप ही जिस बाराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था उसी का संहार आप कैसे कर सकते हैं? ये जो हुआ वो होनी का खेल है। भगवान वाल्मीकि को देखिए, वह इस होनी को जानते थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन विधि के विधान को बदल नहीं सके। अब तुम्हारे जीवन में मेरा इतना ही उत्तरदायित्व था, प्रभु संभालिए अपने पुत्रों को। प्याला सोर मचाओ गली गली। हेलो टक्का कर।